हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। किसी भी कंट्री के अंदर जुडिशरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है द यूनियन जुडिशरी। तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स कोर्ट एंड फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 वेस्टेड द पावर एंड द ज्यूरिसडिक्शन इन सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स द राइट अंडर आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट है ऑफ अपील इन ऑल सिविल क्रिमिनल एंड अदर मैटर्स। इस प्रकार से वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की, ज्यूरिसडिक्शन की एंड प्रोसीजर्स की। तो बात करते हैं आर्टिकल 124 की। आर्टिकल 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्लॉज 1 बात करता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा एंड कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 34 जजेस होंगे जिसमें से एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंडर पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7। जो उसके मेंबर्स हैं वो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हुई। 1956 के अंदर ये मेंबर्स 10 हुए, 1960 में 13 हुए, 17 हुए 1977 में, 25 में ये हुए 25 हुए 1986 के अंदर एंड 2008 के अंदर ये थे 30 मेंबर्स। ओके, एंड 2019 के अंदर 33 मेंबर्स थे आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या कहता है? एवरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रत्येक जज होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही डीम्स नेसेसरी। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 कहता है अ पर्सन शैल नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। जब तक कि वो भारत का नागरिक नहीं है तब तक वो जो क्वालिफिकेशन है जज की वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ जज। ठीक है, उसको उनको सिटीजन होना ज़रूरी है, भारत की सिटीजनशिप लेना ज़रूरी है। एंड सेकंड है 5 ईयर्स एज अ जज हाई कोर्ट। 5 साल तक उन्होंने एज अ जज रहे हों हाई कोर्ट के एंड 10 ईयर्स तक एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेजिडेंट, अ जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। आगे क्या बताया गया है कि जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट के ऑर्डर पे उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, और एक जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको उनके पद से जो मैनर प्रोवाइड किया गया है क्लॉज 4 के अंदर, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि किस तरीके से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो देखते हैं आर्टिकल रिमूवल ऑफ द जजेस आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर। अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि प्रेजिडेंट के ऑर्डर नहीं होते। ठीक है, एंड एड्रेस बाय ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय एन मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर प्रोसीजर जो रिमूवल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर है वो बताया गया है कि किस तरीके से उनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। तो रिमूवल साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा, अगर रिमूवल साइंड होगा 100 मेंबर्स के द्वारा अगर लोकसभा का केस है तो, और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा इज टू बी गिवन टू द स्पीकर या फिर चेयरमैन। ओके, अगर स्पीकर या चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज इट टू एडमिट इट, स्पीकर या फिर चेयरमैन को क्या कर सकते हैं, एडमिट द मोशन और रिफ्यूज भी टू एडमिट इट, रिफ्यूज कर सकते हैं एडमिट करने से। एडमिटेड देन स्पीकर चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इन टू द चार्जेस इन केस ऑफ एडमिटेड। अगर एडमिट कर लिया गया है देन स्पीकर चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट 3 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इन टू द चार्जेस एंड द कमिटी शुड कंसिस्ट चीफ जस्टिस
चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और अगर कमेटी फाइंड करती है कि कोई भी जजेस गिल्टी है या फिर उनके मिसबिहेवियर से या फिर सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी। आफ्टर मोशन इज पास बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। फाइनली द प्रेजिडेंट पासिस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। तो फाइनली प्रेजिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं रिमूविंग द जजेस। ओके, तो ये है रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस, प्रोसीजर, ओके, जो कि आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बताया गया है, राइट। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 124 का क्लॉज 5। पार्लियामेंट में बाय रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज अंडर क्लॉज 4। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 5, क्लॉज 4 के अंडर किसी भी इंक्लूजन में रखे जाने की या फिर जज के जो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है उसके इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ करने के प्रोसीजर का जो लॉ द्वारा वो क्या कर सकेगी, रेगुलेट कर सकेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 124 क्लॉज 6। क्या कहता है आर्टिकल 124 क्लॉज 6 के, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेजिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन थर्ड शेड्यूल। क्लॉज 6 क्या कहता है कि प्रत्येक पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए नियुक्त किया जाएगा, वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपना पद ग्रहण करेगा, उसके पहले वो प्रेजिडेंट के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है, अपॉइंट किया व्यक्ति है, इन फ्रंट ऑफ उस अपॉइंटेड व्यक्ति के थर्ड शेड्यूल में जो भी प्रोविजन दिया हुआ है फॉर्म के अकॉर्डिंग, जो भी फॉर्म सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो ओथ लेगा, शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 124 क्लॉज 7। नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट ऑफ बिफोर एन अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई पर्सन जिसने सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसके रूप में पद धारण किया है, वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी अथॉरिटी के सामने, इन फ्रंट ऑफ किसी भी अथॉरिटी के सामने कोई या किसी भी अथॉरिटी के सामने कार्य नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 125 की, जो बात करता है सैलरीज की, प्रिवलेजेस की, पेंशन की, ओके, अलाउंसेस की। आर्टिकल 125 क्लॉज 1, देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड सच सैलरीज एज आर स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 125 क्लॉज 1, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सैलरी पे की जाएगी जो पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइंड हो, जब तक कि इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया तब तक वो सैलरीज उसको दी जाएंगी, ठीक है। सच सैलरीज आर एज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 125 क्लॉज 2 क्या कहता है, एवरी जजेस शैल बी एंटाइटल टू सच प्रिवलेजेस एंड अलाउंसेज एंड टू सच राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस एंड पेंशन एज मे फ्रॉम द टाइम टू टाइम बी डिटरमाइंड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड अंटिल सो डिटरमाइंड टू सच प्रिवलेजेस अलाउंसेज एंड राइट एज आर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। एवरी जज जिनको कि स्पेशल प्रिवलेजेस और जो उनके अलाउंसेज हैं, जो उनकी अब्सेंस है, छुट्टी, पेंशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो राइट्स हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा और अंडर टाइम टू टाइम क्या किए जाएंगे, डिटरमाइंड किए जाएंगे, जब तक कि इस टाइप से जो इस टाइप से डिटरमाइंड नहीं किए जाते तब तक ऐसे जो अलाउंसेज हैं और राइट्स हैं वो उनको सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, ठीक है। Provided that neither the privileges nor the allowances of judge nor his rights in respect of leave or absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment. लेकिन किसी भी जज के जो privileges हैं, allowances हैं, छुट्टियाँ हैं, leave या pension के related कोई भी rights हो उसकी नियुक्ति के बाद में उसके लिए जो अलाभकारी changes हो वो नहीं किए जाएंगे, जो डिसएडवांटेज हो वो आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट नहीं किए जाएंगे। ओके, तो ये है आर्टिकल 125 जो कि बात करता है जजेस की सैलरीज के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम
बात करते हैं आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 और आर्टिकल 128 के बारे में। आर्टिकल 126 बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 127 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के बारे में, आर्टिकल 128 बात करता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 126 की, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। प्रेजिडेंट कैन अपॉइंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ सीजे ऑफ इंडिया इज वेकेंट। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो खाली है, ठीक है, वेकेंट है। सीजे ऑफ इंडिया इज टेम्पररी एब्सेंट, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्पररी एब्सेंट है। सीजे ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अनेबल है, ठीक है। तो इन कंडीशंस के अंदर प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। ओके, आर्टिकल 127 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, कब एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं, तो किसी भी टाइम पर जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को चालू रखने के लिए जो कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनकी अगर क्वारम पूरे नहीं होती है, ठीक है, लैक ऑफ क्वारम होती है, तो सीजे कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है। तो जो चीजें हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट की सजेशन से और रिलेटेड जो भी हाई कोर्ट है उनके सजेशंस के बाद में जो भी जज होते हैं ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 128 जो बात करता है रिटायर्ड जजेस के बारे में। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर सीजे ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर सीजे ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज फॉर द टेम्पररी पीरियड, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए। ओके, तो ये है हमारे आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 एंड आर्टिकल 128 जो बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की, एडहॉक जजेस की एंड अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में, राइट। आई होप आपको यूनियन जुडिशरी के जिस चैप्टर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस के बारे में समझ में आया होगा, एंड हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।